तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नटू काका, सेठ जी का फोन। इतनी रात गए सेठ जी का फोन, जरूर कोई टेंशन होगा। हाँ बोलिए सेठ जी, क्या टेंशन आ गया? कोई टेंशन नहीं है भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद, हमारे सेठ जी को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और अगर कोई टेंशन आने वाला हो तो उससे कहना सबसे पहले हमसे आके टकराए। नहीं नटू काका? बराबर। अरे भाई, आप लोग अंदर अंदर बातें करना बंद करो और मैंने जो बात कहने के लिए फोन किया वो सुनो। सॉरी सेठ जी, सॉरी। बोलिए। अच्छा देख, क्या है, भिड़े ने गाड़ी खरीदी है। गाड़ी मतलब वो कार वाली गाड़ी? हाँ हाँ, कार। भिड़े भाई को हमारी तरफ से खास कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। अरे बागा, सेठ जी को क्यों तकलीफ दे रहा है? भिड़े भाई का नंबर मेरे पास है, अभी उन्हें फोन लगा के हम विश कर देते हैं। जी नटू काका। अरे नहीं नहीं नटू काका, रुको। अरे भाई नटू काका को रोक। नहीं नहीं, आप लोग उसको बधाई मत देना। क्यों? अरे भाई, उसने गाड़ी खरीदी है और सोसाइटी में किसी को बताया नहीं है, सरप्राइज है। सॉरी सेठ जी, मुझे पता नहीं था। आई टेक माई वर्ड्स बैक। सेठ जी, ये भिड़े भाई ने नई गाड़ी ली, मतलब लगता है उनकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। बागा, ऐसे दूसरे की कमाई को नजर नहीं लगाते। तुझे भगवान ने क्या कम दिया है? नहीं तो फिर। अच्छा सुन, अब ये भिड़े की गाड़ी कल सुबह 11 बजे सोसाइटी में आने वाली है, तो मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मोबाइल का स्टैंड और कार चार्जर। तो तू कल सुबह 10 बजे तो दोनों चीज गिफ्ट रैप करके इधर सोसाइटी में पहुंच जाना, ठीक है? ये भिड़े भाई की गाड़ी इलेक्ट्रिक है? पता नहीं है। तो आपने गाड़ी का चार्जर क्यों मंगवाया? अरे गाड़ी का चार्जर नहीं, मोबाइल का कार चार्जर भाई। वो मोबाइल गाड़ी में चार्ज कर सके, ऐसा आता है ना चार्जर। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठ जी, ठीक है। हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो और मोबाइल रखने का स्टैंड, वो दोनों गिफ्ट रैप करके लेके आना। और हाँ, एक गाड़ी में रखने के लिए छोटे से अच्छे से गणपति बापा भी लेके आना। ठीक है सेठ जी, गुड नाइट। ठीक है, चलो गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रिंक, ठीक है। आपको जो नहीं, लेकिन फिर सबके लिए लाना पड़ेगा। वो कैसे हो, ग्लास वास सब नहीं ना, वो रहना दो ना। जितना बोला उतना लेके आओ खाली। नो सेठ जी, आई मीन टू से स्वीट ड्रीम। अच्छा जाओ, गुड नाइट वाला स्वीट ड्रीम। अच्छा, ओके स्वीट ड्रीम। तमी काय करूं? मेरे लिए तो खुशी और टेंशन दोनों एक साथ है। एक तरफ बाबा ने हमारे लिए कार ली है, पर साथ में आई की बात भी सही है कि अभी कार लेना हमारी जरूरत नहीं है। पता नहीं कल सुबह कार आएगी तब आई क्या करेगी। पहली बार जिंदगी में आई बाबा दोनों अलग अलग सोच रहे हैं और बीच में मैं फंस गई। तुम्हारे लिए और सोनू के लिए कल जबरदस्त सरप्राइज है। पता नहीं कल क्या सरप्राइज होगा। कल मेरी सरप्राइज देखकर माधवी और सोनू दोनों खुश हो जाएंगे। अगर कल कुछ बिना मतलब की सरप्राइज देंगे ना, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं होंगी। अरे तुम? मतलब मैं ही होंगी ना, और कौन हो गया? अरे तुम अभी तक जाग रही हो असर? हाँ, मतलब सो रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों? वो सोच रही थी कि कल का क्या सरप्राइज होगा। ओ अच्छा, ठीक है ठीक, सोचो। काय सोचो बताइए ना, क्या सरप्राइज है? नींद नहीं आ रही है मुझे, मैं रात भर ऐसे जागती रहूंगी फिर। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज होता है, वो उसी वक्त पता चलेगा ना। कल चुप रहा। वाह, कल का सूरज हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा। इतनी महत्व की बात है और सोसाइटी वालों को पता भी है या नहीं? भिड़नी मास्टर से बात करता हूँ। अरे नहीं, आज तो उसकी गाड़ी आने वाली है, वो उसमें बिजी होगा। एक काम करता हूँ, अपू सेना को क्लब हाउस में बुलाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और अय्यर को भी बुला लेता हूँ। गर्ल है तो चाचाजी ने क्लब हाउस में क्यों बुलाया है? पता नहीं यार अंकल, हमको तो दादाजी ने बोला क्लब हाउस आ जाओ तो हम लोग आ गए। अरे गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग अय्यर। अरे हथेड़ा तू भी आया है? हाँ चाचा जी, वो अय्यर नीचे मुझे कंपाउंड में मिल गया तो उससे कहा चलो। अच्छा वो तू भी आ गया, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी। मतलब जेठालाल ने आज बार हमकी कार के बारे में आपको भी बता दिया? हाँ बताए, लेकिन मैंने अभी तुम सबको भिड़े की गाड़ी के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। तो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। देखो इस साल हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। यस। 13 से 15 अगस्त घर घर तिरंगा लहराएगा। तो मुझे अब ये बताओ कि हमारी सोसाइटी में घर घर तिरंगा लहराने के लिए हम क्या करने वाले हैं? डोंट वरी दादाजी, हमने पहले से ही गोकुलधाम सोसाइटी में हर घर तिरंगा लहराने का आयोजन कर दिया। हाँ सही बात है, और इस आयोजन में हम टपू सेना का साथ देंगे। वाह। और हाँ दादाजी, हम ये आयोजन बड़े ही गर्व के साथ करेंगे। देखिएगा दादाजी, इस बार 15 अगस्त में पूरा गोकुलधाम तिरंगमय हो जाना है। वाह वाह। गोकुलधाम के हर घर में, भारत के घर घर में और जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं उनके घर में, ऑफिस में जब तिरंगा लहराएगा तब राष्ट्र प्रेम का समुद्र उछलेगा। यस 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 चाचा जी, इसलिए तो तिरंगा सिर्फ राष्ट्र ध्वज नहीं है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम की उमंग का प्रतीक है। सही बात है, बचपन से ही मेरे दिल में 15 अगस्त के लिए विशेष महत्व और उमंग है। हाँ तुम्हें पता है बच्चों, मैं जब छोटा था ना तो हमारे गाँव में 15 अगस्त के दिन सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे और हमारा राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त धूमधाम से मनाते थे। सुबह से पूरे गांव में राष्ट्र भक्ति के गाने गूंजते थे। छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते थे। हाँ सब लोग साथ में मिलकर ध्वजारोहण करते थे और राष्ट्रगीत गाते थे। वाह सही बात है चाचा जी, मेरे गाँव में भी ऐसा ही होता है। और बच्चों पता है, मैं जब छोटा था तब मेरी माताजी मुझे 10 पैसे देती थी नाश्ते के लिए। हा? लेकिन 10 पैसे में क्या नाश्ता आता होगा? हाँ। अरे नाश्ते के लिए नहीं, वो 10 पैसे से मैं छोटा सा राष्ट्रध्वज लेता और अपने सफेद कुर्ते पे लगाकर ध्वजारोहण के लिए जाता। उसके बाद दोस्तों के साथ पूरा दिन घूमता। वाह वाह डॉक्टर आदि, क्या बात है। राष्ट्रध्वज को हम सीने पर लगा या घर घर लहराए, राष्ट्रध्वज को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए। सही बात है बच्चों, राष्ट्र और राष्ट्रध्वज का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा डबूदना, तुमको मालूम है कि हमारे राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया था? ऑब्वियसली यार अंकल, पिंगली वेंकैया जी। करेक्ट, वेरी गुड गोली बेटा। वैसे चाचा जी, मैं बड़े उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हमारे गोकुलधाम और हर जगह घर घर में तिरंगा लहराते हुए कब देखूंगा। हाँ हम सबको ये प्रतीक्षा है, लेकिन अभी आज पाराम अपनी कार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। डॉक्टर जी चलिए, हमको गिफ्ट लेने जाना है। हाँ पहले मैं घर जाऊंगा, नाश्ता करने के बाद गिफ्ट लेने जाऊंगा। अरे हाँ हाँ चलो 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 चलो। गणपति बप्पा आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। बाबा गुड मॉर्निंग सोनू। होप यू हैव अ नाइस डे। अरे आज का दिन तो नाइस ही है सोनू। चेहरे पे खुशी दिख रही है, इसलिए खास प्रार्थना हुई है गणपति पापा को। हाँ क्योंकि आज स्पेशल सरप्राइज है ना। अहो या तो आप सरप्राइज बोल दीजिए क्या है, वरना बार बार सरप्राइज सरप्राइज मत बोलिए। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है। हाँ मुझे भी। तुम दोनों को भी कल रात नींद नहीं आई? क्यों? मैंने आपको बोला था ना रात को कि आप सरप्राइज नहीं बताओगे तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। हाँ बाबा मुझे भी सरप्राइज के कारण ही नींद नहीं आई। एक्चुअली मुझे भी सरप्राइज की खुशी में नींद नहीं आई। बरोबर है, कहाँ से आएगी? मन में बात आपने छुपा के रखी है ना, और वो भी मुझसे। बताइए ना क्या सरप्राइज है? आपने कल बोला था ना कि मैं कल बताऊंगा, तो अभी कल आ गया ना। बताइए ना क्या सरप्राइज है। नहीं माता, मत बताइए सरप्राइज, बिल्कुल मत बताइए, लेकिन थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। आई सरप्राइज जानने के लिए कितनी एक्साइटेड है, पर मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि जब आई को सरप्राइज पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। आहो बताइए ना। ठीक है, हिंट ये कि आज जो भी तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, आज का सरप्राइज तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी भर याद रहेगी, ऐसा कुछ है? हाँ, और आज खुशी का मौका है ना, तो जरा स्पेशल खाना बनाना। एक काम करना, तुम पूरनपोड़ी बनाना, फिर वाला से बिरड़ा, दाल चावल और आलू की सब्जी। हाँ हाँ, और कुछ? हाँ, और पूरनपोड़ी थोड़ी ज्यादा बनाना। क्या है, मैं 2-4 दिनों तक खाना चाहता हूँ। हाँ, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, कुछ होगा तो बताऊंगा। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। होगा नहीं ही बताया इन्होंने। मेरे पास सरप्राइज जाने का एक आइडिया है। हाँ, फिर मैं आइडिया नहीं बताऊंगी, सरप्राइज क्या है वो डायरेक्ट बताऊंगी। गणपति पापा, आज बाबा बहुत खुश है, हमारे लिए कार लेकर आने वाले हैं। पर आई कार के लिए तकरार के मूड में है। बापा, आज आई बाबा में कोई तकरार ना हो, दोनों खुश रहे, ऐसी कृपा करना। ओ चिट्टा कुकड़ बने रहते, ओ काली काली अखा वाली है, ओ मुंडा आशिकते रहते, ओ काली काली। सवार पर इतना खुश खुश नजर आ रहा है। ओए, रोशन सिंह सोडी तो हमेशा खुश रहता है, और रोशन सिंह सोडी का दूसरा नाम है खुशी सोडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। ओए पिड़ू, आज तो पीपी पीपी। रोशन, तेरी गड्डी पे ब्रेक मार, ब्रेक। अपना गोगी बच्चा होके भी ऐसी हरकतें नहीं करता है जैसा तू इतना बड्डा होके कर रहा है। तो गए। और भिड़े भाई, कल आप रोशन के साथ लस्सी पीने वापस ही नहीं आए। मैंने आपके लिए कितनी बढ़िया लस्सी बना के रखी थी। हाँ, वो गलती हो गई, वही लस्सी पीने आया हूँ। पर वो तो रोशन ने पी ली। जस्ट किडिंग। अब भी लेकर आती हो, और आज चौकस लस्सी पीकर जाना। हाँ, अब भी ले। ओए पिड़ू, मैनू ये गल बिल्कुल पसंद नहीं। तू क्यों रोशन को परेशान करता है? वो पहले उससे तू लस्सी बनवाता है और फिर बिना पिए चला जाता है, और मैनू अच्छा नहीं लगता। अरे सोड़ी, लस्सी को मार गोगी। ओए, मार गोली होता है। गुड मॉर्निंग बड़े अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोड़ी से अकेले में कार की बात करने रोशन भाभी को किचन में भेजा तो गोगी आ गया। क्यों हो गया बड़े अंकल? अरे गोगी, वो सोनू तुम्हें बुला रही थी, याद कर रही थी। क्यों? पता नहीं, शायद कुछ अर्जेंट काम है। मैनू पता है भिड़े अंकल, आपको पापा से गड्डी की बात करनी है, इसलिए मुझे यहाँ से भगा रहे हो। वो की सोच रहे गोगी पुत्र? वो छेती जा, वो सोनू बेटा को कोई अर्जेंट काम होगा। हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। हाँ। सोड़िए, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात पूछनी है भाई। पक्का 11 बजे कार आ जाएगी ना? ओ हाँ हाँ पिड़ू, तो ठंड रख, रिलैक्स कर। थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है उनसे, वो ठीक 11 बजे गड्डी लेके आ जाएंगे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। और तू बस तैयार है ना डिलीवरी लेने के लिए? हाँ, अब मैं पूरा रिलैक्स हो गया। चल मैं चलता हूँ, मुझे सुविचार दिखना है और मंदिर भी जाना है। हाँ। रोशन, बड़े भाई कहाँ है? वो तो चला गया। तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? सॉरी रोशन डार्लिंग, मेरा भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था ना। एक्साइटेड क्यों? क्योंकि उसे मंदिर जाना था। नहीं मतलब सुविचार लिखने जाना था। वो तेनू तो पता है ना, सवेरे सवेरे पिड़ू सुविचार लिखने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है। वो तो है, पर आज फिर लस्सी पिए बगैर चले गए। भिड़े भाई पर टड्डन अजब गजब छा, मालूम नहीं इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। ओ मेरी मिश्री, तू दिल छोटा ना कर। ओ, मैं तेरे हाथ की बनी हुई लस्सी को वेस्ट नहीं होने देना। ओ, आज भी मेरे दोनों ग्लास खिंच जाने हैं। ए देख। हे भगवान, आज मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आज मैं माधवी और मेरी बेटी सोनू को पसंद आए ऐसी बहुत बढ़िया भेंट देने वाला हूँ। दोनों देख के बहुत खुश होंगे। वो दोनों हमेशा खुश रहे और मैं हमेशा उनको हर तरह की खुशियाँ दे सकूँ, इतनी मुझे शक्ति और भाग्य देना भगवान। हाँ विनय काका, गाड़ी 11 बजे तक सोसाइटी में आ जाएगी। हाँ आप निकल गए ना? हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके। ओ यार गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग आदना, क्या बात है? सुबह सुबह गिफ्ट लेने गए थे, किसके लिए? वो आदवराम, आज मेरे खास दोस्त के लाइफ में बहुत खुशी का दिन है, उसके लिए गिफ्ट लेने गया था। अरे वाह, ऐसी क्या बात है खुशी की? मालूम नहीं। मालूम नहीं मतलब? वो उसने मेरे को बताया नहीं। बताया नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? वो हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, उसने बताया। हाँ मतलब तुम्हें पता है ना कि खुशी की बात क्या है, तो मुझे बताओ क्या है आत्माराम। उसने मेरे को डायरेक्टली नहीं बताया, इसलिए मैं तुमको नहीं बता सकता। कमाल है यार, अभी पूछते तुम्हें डायरेक्टली नहीं बता तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो बता ही सकते हो ना। तुम और वो एक ही है। क्या मतलब? मतलब तुम जैसा मेरा फ्रेंड है ना वैसा वो भी मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड फ्रेंड कैंसिल। क्या बोल रहे हो तुम यार? ओ पोपटलाल गुड मॉर्निंग। अरे इधर इधर इधर। गुड मॉर्निंग, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? और तो जल्दी में क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो एक्चुअली क्या है, वो चेकबुक खत्म हो गई है, तो तुझे मेंटेनेंस का चेक देना है ना, बैंक जा रहा हूँ नई चेकबुक लेने। और तो बैंक जाने की क्या जरूरत है पोपटलाल? मोबाइल बैंकिंग से मैसेज कर दो, चेकबुक आ जाएगी घर पे। भिड़े देख, आज तक तेरे काम में मैंने तुझे जब भी सलाह दी है तूने मानी है नहीं ना, तो मैं तेरी सलाह क्यों मानूं? पोपटलाल आज आत्माराम का स्पेशल डे है, तो उसका सलाह तो मानना ही पड़ेगा ना। स्पेशल डे? हाँ आज हम तीनों दोस्त एक साथ सुबह सुबह मिले ना, तो स्पेशल डे तो हो गया ना। पोपटलाल अरे भाई आपका काम हो गया है, मेरा बाकी है, मुझे बैंक जाना है। चलो मिलता हूँ। आदरा मेरे को भी घर पे अर्जेंट जाना है, चलो मैं भी चलता हूँ। बाय बाय बाय। हाँ चल गए तो सुबह चल लिख देता हूँ। गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। मिठाई कहाँ है? मिठाई किस खुशी में? खुशी वो तो से ज्यादा तुम्हें पता है। कमाल है ये अय्यर, पोपटलाल, हाथी भाई सभी मुझसे कुछ अलग बात कर रहे हैं, कहीं इनको मेरी खुशी के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। अरे भिड़े मास्टर कहाँ खो गए तुम? टेंशन मत लो, मैं तो मिठाई का इसलिए पूछ रहा था कि मुझे सुबह सपना आया कि तुम मुझे मिठाई खिला रहे हो, और तुम तो जानते हो कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा आपने सपना देखा है? हाँ मैं कुछ और ही सोच रहा था। हाँ नहीं, तो पक्का मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा आज। थैंक यू भिड़े मास्टर। चलो मुझे एक अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो मैं मिलकर आता हूँ। ठीक है ओके। खुशियां बांटने से बढ़ती है। अरे सुबह तो कुछ नहीं था, अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? भिड़े अरे सुप्रभातम भिड़े मास्टर। सुप्रभात जेठालाल। और क्या काय विशेष? विशेष काही नहीं। काहीच नाही? काही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों पूछा? अपना ते है अपना आज के अखबार में है और तेरे राशि भविष्य में लिखा है कि आज तेरे साथ कुछ विशेष होने वाला है। मेरे राशि भविष्य में लिखा है? हाँ तुमको पता है मेरी राशि? मेरी राशि अभी, तेरा नाम आत्माराम है ना? पूछ रहे हो? नहीं, तेरा नाम आत्माराम है मतलब अ से शुरू होता है, तो अ ल ई म्हणजे कन्या राशि। अरे कन्या नहीं रे, मेरी राशि मेष है। मेष, अरे सॉरी सॉरी, हाँ मेष, मेष राशि, हाँ मेष नाही मेष। आता मेष राशि मध्ये लिवला होता कि आज तुम्हारे साथ कोई अच्छी घटना घटने वाली है। अच्छा, क्या घटना घटने वाली है? यही तो नहीं लिखते ना अखबार में, सब डिटेल में नहीं लिखते हैं सब। अच्छी घटना तो घटने वाली है जेठालाल, लेकिन सॉरी मैं अभी नहीं बता सकता। क्या सोच रहे हो? कुछ बताना है मुझे? नहीं नहीं अभी नहीं, मतलब बाद में। चलो चलो चलो। भिड़े तू भले मुझे ना बताए, लेकिन मुझे सब पता है। आज तो सेलिब्रेशन होने वाला है भिड़े परिवार में। माधवी, ए माधवी, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म खास पोहे। अरे वाह, पूरनपोड़ी। हाँ हाँ वो भी बन गई है, सब कुछ रेडी है। बात है, होशियार है तू। नहीं नहीं, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। ओहो, काय तो विनम्रपणा। अयो विनम्र काय त्यात। लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म पोहे खाइए। एक मिनट, आज मैं पोहे अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। वो आ जाएगी ना? नहीं नहीं, वो टप्पू सेना के साथ गई है। होगा? हाँ। अरे वाह वाह, मस्त। कसे झाले? अप्रतिम। क्या बात है? प्यार आ रहा है आप पे आज। आज? आज मतलब रोज आता है, पर आज जरा खास है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप कितना प्यार करते हैं मुझसे? अरे माधवी, ये कैसा सवाल है? सखारन के बाद मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ माधवी, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें और सोनू को प्यार करता हूँ। अच्छा बताइए फिर, मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं? साड़ी को इस्त्री और तुम्हारे लिए अपनी जान न्योछावर कर सकता हूँ। बाप रे, नहीं छोड़ो लोग। अच्छा और अभी और तुम जो बोलो वो कर सकता हूँ। खरच? हाँ। तो सरप्राइज बता दीजिए ना। माधवी मैं खुद चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सरप्राइज बताऊं। बताइए ना, किसने रोका है आपको? बताइए प्लीज। आत्माराम तुकाराम भिड़े। यस माधवी, एक ऐसा सरप्राइज है जो सुनने में मजा नहीं आएगा, देखने में मजा आएगा। अब जाओ फटाफट रेडी होके और भी खूबसूरत बन के आओ। हाँ हाँ मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद बताएंगे आप सरप्राइज क्या है। नहीं, कितने जिद्दी हो आप। खास होता चाहता नहीं आता। अरे माधवी, तुम भले अभी मुझे जिद्दी कहो, पर जब तुम सरप्राइज देखोगी ना तो कहोगी बड़े प्यारे हो आप। बस अब 11 बजने का इंतजार। गुड मॉर्निंग सर। सर आज मेरे को एक जरूरी काम आया है, तो मैं ऑफिस 11:30 के बाद आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भैया क्या हुआ, क्या काम है? ऑफिस क्यों लेट जाना है? बबीता मेरे को कुछ काम नहीं है, मैं गोकुलधाम में ही हूँ। ओके पर काम क्या है? बबीता आज गोकुलधाम सोसाइटी में 11 बजे खुशी का बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ? कैसे खुशी का धमाका? वो बबीता सॉरी यार, लेकिन मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। 11 बजे तुमको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। यार बोलो ना प्लीज। तो आज बस यही जानने के लिए फोन किया था कि आप कहाँ तक पहुँचे। अच्छा ओके जी आए, हम वेट कर रहे हैं। रोशन बोलनी, रोशन तुझे आज गैरेज नहीं जाना? जाना है लेकिन थोड़ा देरी से जाना है। तो इतना खुश क्यों लग रहा है? अब ये मत बोलना रोशन सिंह का दूसरा नाम खुशी है। ओए सोनियो, और रोशन सिंह सोडी को खुश होने के लिए ना कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ता। वो खुशी खुद कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रोशन सिंह सोडी के पास पहुंच जाती है। इसको मैं बाद में समझूंगी, अभी तू ये दस कि तू गैराज लेट क्यों जा रहा है? गर्ल सोचे। अरे मेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आज बहुत मोटा खुशी का दिन है। तू ओ वो बात मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब तुझे पता चलेगा ना तो तेरे मन में भी खुशी के लड्डू फूटेंगे। क्या बात है हंस, सुबह सुबह मिठाई का बॉक्स, गिफ्ट क्यों लेकर आए हो? और हैरानी की बात तो ये है कि लड्डू का बॉक्स हाथ में तो है पर तुम लड्डू खा नहीं रहे हो। वाह सही बात है। हाँ सही बात तो है, पर बात क्या है वो तो बताओ। कोमल, मेरे हाथ में लड्डू का डिब्बा है और मैंने खाया नहीं, मतलब जरूर कोई खास कारण है ना? हाँ खास कारण तो होगा, पर खास कारण क्या है वो तो बताओ। वो तुम्हें 11 बजे तक पता चल जाएगा। 11 बजे? हाँ। वैसे कोमल एक सीक्रेट बात बताऊं? हाँ बताओ। हमें ये लड्डू का डिब्बा गोली से बचा कर रखना होगा। वैसे गोली है कहाँ? डब्बा में। फ्रेंड्स, आज हमारे लिए और गोकुलधाम सोसाइटी के लिए एक स्पेशल दिन है। हाँ, और 11 बजे भिड़े भाई की कार आएगी। सोनू, गड्डी के वेलकम की पूरी तैयारी हो गई है। और हाँ, 11 बजे गेट पे ढोल बजाने वाले रेडी रहेंगे। जैसे ही गाड़ी आएगी ना, हम वैसे ही पेपर ब्लास्ट के साथ गेट पे रेडी रहेंगे। हाँ सोनू, तू देखना जब कार आएगी ना तो कार का एकदम रॉकिंग स्वागत होगा। हाँ, और पटाखे भी फोड़ेंगे। हाँ, लेकिन यारो पटाखे हम गड्डी से दूर फोड़ेंगे। याद है ना, सनी के पापा ने जब नई गड्डी ली थी तब सनी ने ऐसे पटाखे फोड़े थे। थोड़े से पटाखे गड्डी के नीचे के आगे कि गड्डी में बैठे सनी के पापा को हॉस्पिटल और गड्डी को गैराज ले जाना पड़ा था। दोनों अस्पताल और गैरेज में 15 दिन रहे। नहीं नहीं फ्रेंड्स, हम पटाखे ना गाड़ी से दूर ही फोड़ेंगे, है ना बुल भाई? ओए लेकिन कुछ भी हो जाए, गड्डी के वेलकम में आज तो दवाली बचा देंगे। दोनों, तेरे घर पे गाड़ी आ रही है तो खुशी नजर नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, एक्चुअली एक टेंशन वाली बात है। क्या? वो फ्रेंड्स, कल मैंने इनडायरेक्टली आई से पूछा कि बाबा आपको सरप्राइज गिफ्ट में कार देंगे तो आप बहुत खुश होंगे ना, पर उन्होंने पता है क्या कहा? और अब मुझे इस बात का टेंशन है कि जब कार आएगी तो आई खुश होने के बजाय नाराज होंगी और पापा पे गुस्सा करेंगी तो। डोंट वरी सोनू, तू बेवजह टेंशन ले रही है यार। सोनू देख ना, जब कार आएगी ना तो कार को देखकर और भिड़े भाई की खुशी को देखकर माधवी भाभी की जितनी भी नाराजगी है सब दूर हो जाएगी। हाँ देखना सोनू, माधवी आंटी तो भिड़े अंकल से ज्यादा खुश हो जाएगी। सोनू तेरी कार आ रही है, तू एंजॉय कर यार, ये टेंशन वेंशन सब छोड़ दे। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। देवा, बाबा को तो आई के मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। क्या होगा जब हमारी कार आएगी? फ्रेंड्स, तुम लोग तो कार की खुशी में पटाखे फोड़ोगे, पर कहीं हमारे घर में आई के गुस्से के पटाखे ना फूटे। वाह, 11 बजने में भी सिर्फ 10 मिनट बाकी है। हाँ बोलो सोडी। ओए पिड़ू, वो थोड़ी देर में गड्डी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाएगी। अच्छा तुम्हें आ गया उनका फोन? ओए हाँ, इसीलिए तो तुझे फोन किया। तो क्षति कर, जल्दी नीचे आ। हाँ आता हूँ आता हूँ। ओ रोशन डार्लिंग, रोशन तू ठेऊ, चल चल जल्दी चल। कहाँ जाना है, क्या करना, कुछ बताता नहीं, बस सस्पेंस क्रिएट करता है। ओए मेरी पोली पार्सन, कभी-कभी सस्पेंस का अपना ही मजा होता है। चल। अरे हाँ काका, कहाँ तक पहुँचे आप? अच्छा अच्छा, आई आई आई। अरे माधवी, सोनू, अरे तैयार झाले की ना तुम्ही? आले आले बाबा। हाँ, अरे वाह, एकदम परी लग रही है मेरी बेटी। हाँ बाबा, माधवी तुम भी एकदम सुंदर लग रही हो। क्या जच रही है इतनी साड़ी तुम पे। हाँ मत अप्रतिम, संगन सरप्राइज का है। अरे अभी पता चल जाएगा ना, नीचे चलो चलो चलो। अभी क्या? अरे आजा आजा पिड़ू, आजा। अरे भाभी भाभी, सोनू बहुत मस्त लगो छा, बहुत सुझा। थैंक यू थैंक यू। माधवी भाभी, रोशन तो मुझे बता ही नहीं रहा क्या सरप्राइज है। आपको मालूम है क्या सरप्राइज है? नाइना, आपको मैंने बोला ना सरप्राइज है, बता ही नहीं रहे हैं क्या सरप्राइज है। पता चल जाएगा, बस एक मिनट की बात है, पता चल जाएगा। अहो, काय एवढं मोठं सांगा ना। हे तो मला पण सरप्राइज आहे। अभी हम कार आने की खुशी सेलिब्रेट करते हैं, अभी प्लीज कुछ रिएक्ट मत करना। भाभी क्या गाड़ी लिए आप, कंग्रेचुलेशन। अभी आपको ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, फिर हम पूरी महिला मंडल लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। ड्राइव ओह नक्की नक्की। कोमल, मैं भी तुम्हें सरप्राइज में ऐसी ही कार दूंगा। ओह कम ऑन हंस, ऐसे सरप्राइज बताते थोड़ी है। वहाँ क्या देख रहे हैं? तो बाघा को मैंने बोला था बापू जी गिफ्ट लेकर 10 बजे आ जाना, अभी तक नहीं आया वो। अरे आ जाएगा आ जाएगा। हाँ आगे आगे, एक मिनट में आया। चल भाई चल, 10 बजे का बोला था तुझे, कहाँ रह गया तू? सॉरी सेठ जी, तो ट्रैफिक में फंस गए थे। सेठ जी यू तो नो मुंबई ट्रैफिक इज सो अनप्रेडिक्टेबल। क्या अच्छा, हाँ चल तो गिफ्ट लेके आया? लाया सेठ जी, हाँ सब लेके आया हूँ। और जो गणपति पापा की मूर्ति मंगाई थी वो इसमें है। ओके ये है ना? हाँ ये लीजिए सेठ जी। और सेठ जी मेरे और नट्टू काका की तरफ से भिड़े भाई को एक सैनिटाइजर की बोतल भी गिफ्ट देनी है। बोला बोला, चलो 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 चलो, आइए नट्टू काका। अंजलि भाभी, तो सब लोग भिड़े को गिफ्ट दे रहे हैं ना गाड़ी के लिए, तो मैंने आपके और मेहता सब की तरफ से एक छोटे से गणपति मंगाया, वो आप दे देना। वो थैंक यू सो मच, सो थॉटफुल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू क्या उसमें, थैंक यू क्या। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। भिड़े छुपे रोस्ता, कार लेता है और हमें बताता नहीं है। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ तो, और हम गोकुलधाम वालों से आज तक कोई बात छुपी है तो तुम्हारे सरप्राइज की बात छुपेगी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई भिंडी मास्टर, पहले गाड़ी का स्वागत हो जाने दे, फिर तुझे जो भी बोलना है ना गाड़ी के ऊपर खड़े रहकर बोलना। देख देख तूने गाड़ी ली तो बापूजी भी कितना खुश है, मजाक कर रहे। अरे भाई भिंडी मास्टर, तुझे ये गाड़ी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं है, भगवान करे। बाबूजी एक मिनट भिड़े आशीर्वाद दे रहे बापूजी। अरे लेकिन उनको अच्छा लगेगा। अभी भगवान करे तो हमेशा खुश रहे, हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे और हमेशा सोनू बेटी और माधवी बेटी को खुश रखे। आगे बढ़िए हो, लेकिन मुझे बता के साथ लेके। और चाचा जी मुझे बताया ही नहीं इन्होंने गाड़ी का। हाँ मैं अभी सबको बता रहा हूँ। मेरी बात प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भिड़े भाई आप एक काम करिए, आप अभी के अभी माधवी अभी और सोनू को अपनी गाड़ी में एक राउंड घुमा के आइए। वाह 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 बबीता जी, वाह मस्त मस्त बोला आपने, सही बात है। फिर आकर हमें मिठाई खिलाकर पार्टी देना, फिर हमको भी एक लंबा राउंड घुमाने ले चलना। पर भिड़े मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन तो मुझे गाड़ी में दुकान छोड़ने आना। भाई मैंने तय कर लिया है, तो मेरी बारात इसी कार में जाएगी। हाँ बराबर है, गाड़ी का कलर भी सूफ है लाल। और भिड़े अंकल टप्पू सेना को भी मॉल ले जाना पड़ेगा ये गाड़ी में। अरे मैं क्या बोलूं, मेरी बात तो सुनो। भिड़े भाई एक मिनट, सीट जी वो गिफ्ट कब देनी है? अरे हाँ भाई भिड़े, तेरी नई गाड़ी के लिए हम सब गिफ्ट लेके आए हैं। ओए मेरे प्रिय गोकुलधाम वासियों, एक मिनट पीड़ू दी गल तो सुन लो। अरे ये कार मेरी नहीं है। चल चल, कार इधर कंपाउंड में खड़ी है, बोलता है कार मेरी नहीं है। मतलब पार्वी भाभी की है? नहीं, ये कार ना माधवी की है ना सोनू की है ना मेरी है, ये कार हमारी नहीं है। अरे क्या मजाक कर रहा है भिड़े, गाड़ी आ गई है सच धज के इधर सामने खड़ी है और तू कह रहा है गाड़ी तेरी नहीं है। हाँ भाई भिड़े, ये ऐसा मजाक कैंसिल कर वरना तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कार मेरी नहीं, हमारी नहीं है। बस भिड़े अंकल, कल आप खुद पापा के साथ शोरूम गए थे, वहाँ जाके आपने गड्डी बुक की थी और देखो आज गड्डी आ गई। तुम्हें कैसे पता चला टोड़ी? तो ना पिड़ू और ना गोगी को ना रोशन को और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अरे तो सबको पता कैसे चला? मैं बताती हूँ, वो हुआ यूं। तेरी सरप्राइज ही रहेगी। बढ़िया कार कहाँ मिलेगी? पीड़े अंकल कार खरीद रहे। हमारे घर में कोई छोटी चीज भी आती है ना तो उससे पहले बाबा आई और मेरी पसंद जानते हैं, तो ये गाड़ी तो इतनी बड़ी चीज है, पॉसिबल ही नहीं है। गोली भिड़े अंकल गाड़ी ले रहे और ये तो मैं प्रूफ करके ही रहूं। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से हम सरदार चौक की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पर A to Z ड्रेस वाला है, तो इनकी गाड़ी तो निकल गई। हाँ चलना, टैक्सी में बैठना। हाँ उस गाड़ी का पीछा करना। सर ये कार कैसी लगी आपको? रेड कलर, 4 लाख बजट। Congratulations for the new car. Thank you. Congratulations. अब समझा मैं, कल शोरूम में जो वो राजस्थानी कपल था वो तुम दोनों थे। मैंने बोला था ना सोड़ी, ये कपल हमारा पीछा कर रहा है कब से, मतलब तुम दोनों हमारी जासूसी कर रहे थे। मी काय म्हणते ते सोडा, पहले मुझे ये बताइए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कार हमारी नहीं है? क्योंकि ये सच में हमारी कार नहीं है माधवी। मतलब तुम दोनों हमारी जासूसी कर रहे थे? मी काय म्हणते ते सोडा, पहले मुझे ये बताइए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कार हमारी नहीं है? हाँ। हाँ। क्योंकि ये सच में हमारी कार नहीं है माधवी, ये कार मैंने विनायक काका के कहने पे उनके बेटे सदानंद के लिए खरीदी है, खरीदी है, खरीदी है, खरीदी है, खरीदी है। अरे आत्म्या, अरे काका, आया 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 आया, नमस्कार करतो। सदा कसा आहेस? मस्त दादा, तू कसा आहेस? कशी आहेस बाळा? मस्त मस्त। राम राम गोकुलधाम मंडली। राम राम, राम राम काका, राम 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 राम। ये मेरे विनायक काका और ये उनका बेटा सदानंद, इन्होंने पिछली बार आम भेजे थे सबके लिए। ओ अच्छा, अरे राम राम काका, राम 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 राम। वो आम बहुत मीठे और टेस्टी थे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग हैरान क्यों लग रहे हैं? एक्चुअली हम सबको लग रहा था कि भिड़े अंकल ने खुद के लिए कार ली है, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने आपके लिए कार ली है। अरे तो आत्म्या भी तो मेरा बेटा ही है, तो ये कार सोनू, सुनबाई और आत्म्या की भी है। नहीं बराबर है काका, लेकिन ये कार आपकी है जो आपने आपके बेटे के लिए खरीदी है, इन्हीं के पैसों से। सदा के लिए? हाँ। अच्छा। लो बोलो, असली सरप्राइज तो ये निकली। भिड़े, तेरे इस ट्विस्ट ने तो हमारी दुनिया हिला डाली। बाबा, आपने मेरे लिए कार ली और मुझे बताया भी नहीं। ये आत्मा की वजह से नहीं बताया, हमेशा मुझे बोलता है हम गोकुलधाम वाले हमेशा एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं और सरप्राइज में बहुत मजा आता है, इसलिए तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने नहीं बताया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। लेकिन बाबा मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे पास तो बाइक है ना। सदा मैं जानता हूँ तुम पेशे से शिक्षक हो और रोज तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए 70 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हो और वही 70 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस भी आते हो, तो काका ने सोचा कि बाइक पे ट्रैवल करने से अच्छा है कार दिलाई जाए। कार नहीं लेते थे तो चलता था, अभी ले ली। हाँ सुनो कोरे बोलू पोरा, अरे तू हमेशा अपने परिवार के भले की सोचता है, तेरे बाबा की चिंता करता है। तेरे बाबा का ये फर्ज नहीं बनता कि तेरी चिंता करे। हाँ सही बात है। आवडली ना गाड़ी? खूप आवडली बाबा, मस्त है। विनायक भाई एक बात कहूँ, ये आपका बेटा है ना, वो बिल्कुल मेरे जेठिया जैसा ही है। ये भी खुद से पहले मेरी और परिवार की चिंता करता है। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों मैं आपको सदा की एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये अगर चाहता तो किसी बड़े शहर में बड़ी प्राइवेट स्कूल में अच्छे पगार की नौकरी कर सकता था वर्ग का, लेकिन इसने गांव में रह के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना उचित समझा। हाँ अगदी अपने जीवन का ध्येय ही बना लिया इन्होंने। वाह सदा भाऊ, हमें आप पर गर्व है। थैंक यू। सदानंद भाऊ यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अहो इतना अच्छा सरप्राइज आपने मुझसे क्यों छुपाया? माधवी, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम नम्रता को बता देती ना। कौन नम्रता? हाँ, सदानंद की पत्नी। क्या है, नम्रता और माधवी दोनों खास दोस्त है। अगर मैं इसको बता देता तो वो उसको पता चल ही जाता, फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहती ना। सदा काका, आजोबा, चलिए आपकी कार देखते हैं। आइए। सॉरी हाँ, मतलब मैंने जब कार देखी ना तो मैं आपसे बहुत गुस्सा थी, लड़ने वाली थी कि आपने कार क्यों ली। मैंने आपको बोला था कि सोनू के गहने, हमारी प्राथमिकता, खर्चे अलग है, बजट नहीं है उतना। अरे पता है मुझे माधवी, मैं भी जानता हूँ ना, लग्जरी और नेसेसिटी के बीच का फर्क समझता हूँ। कार घेऊन आपण काय करणार आहे ना, है ना सखारा मस्त। हाँ, थैंक यू। अरे खूप भारी रे, अभिनंदन अभिनंदन, धन्यवाद तुला। अच्छी लगी ना आजोबा? बहुत अच्छी। ओहो सदानंद भाऊ, वो गड्डी के पेपर आपके नाम पर ही ट्रांसफर हुए हैं। दोस्तों, हम जो कार के लिए गिफ्ट लाए थे वो तो विनायक काका को दे दे। आइए आइए बापू जी, आइए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने दी हुई भेंट वस्तु के लिए और उससे भी ज्यादा आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच। अरे आत्म्या, चलो हम सब नई गाड़ी में एक राउंड मार के आते हैं। काका पहले घर जाते हैं, आज मस्त पुरणपोळीचा बेत केला है। हाँ, मस्त मैगी खाते हैं और फिर राउंड मारने जाते हैं। चलते की, आप सब भी चलो पुरणपोळी खाने। अरे नहीं नहीं भिड़े, ए काका है तो अभी क्या है, सबलिरेशन तुम भिड़े पारिवारिक करो। हम सब तभी सबलिरेट करेंगे जब तू गाड़ी लेगा। हाँ, नक्की नक्की। ओ वीर जी की कर रहे हो की के साथ? आओ आओ इत्या। अरे आज तो हम लोगों के साथ ना बहुत बड़ा जोक हो गया। सही बात है, हमें लगा कि भिड़े मास्टर ने गाड़ी अपने लिए ली है, पर भिड़े मास्टर ने गाड़ी तो विनायक काका के बेटे के लिए ली थी। तो सर सॉरी, तुझे पता था ये भिड़े ने कार वो विनायक काका के बेटे के लिए ली है? हाँ हाँ जेठा प्राप, भिड़ू ने मुझे बता दिया था। पर सोडी, तुझे हमें तो बताना चाहिए था ना। अरे पप्पू, पिड़ू नहीं मना किया था किसी को बताने के लिए। ओ मैंने तो अपनी रोशन डार्लिंग को भी नहीं बताया। स्टोरी ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ बापूजी। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मुझे गोली और पिंकू ने बताया था। हमारी भी क्या गलती है पोपट अंकल, हमने जो देखा सुना वो बताया ना। अब जो हुआ सो हुआ, छोड़िए और मस्त एंजॉय कीजिए। अरे गोकुलधाम वासियों के भाग्य में ये होना बहुत नॉर्मल है। सही बात है। वो भी है अंजलि भाभी। चलो बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अरे जेठा प्रा, ओ मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ गड्डी पे चढ़ देता हूँ। चलो। अरे सुनो सुनो जेठालाल जोड़ी, मुझे भी तूफान एक्सप्रेस जाना है, साथ में चल दे। चलो सोडी, ये नटू काकर भागा भी हमारे साथ आएंगे, चलेगा ना? थैंक यू सटी भाई। मैं भी चलता हूँ। चलो अरे वाह, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, ओके चलो चलते हैं बापूजी। दादा थैंक यू सो मच, कार एकदम मस्त है। इस कार पे ना 1 साल की वारंटी है और 3 सर्विसेज फ्री भी है। ये तो एकदम बेस्ट डील है। और मेन बात के बजट में मिली है। आत्म्या अभी तू भी एक कार ले ले। नहीं नहीं काका, अभी एक्चुअली कार मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी लिस्ट में दूसरे खर्चे पहले हैं। अच्छा बाबा, आप कल से आई को कह रहे हैं कि कोई बड़ा सरप्राइज है जिसे देखकर आई खुश हो जाएगी, तो बताइए ना कि मेरी आई के लिए क्या सरप्राइज है। आपको सरप्राइज मिला ना? सदा बहू को कार मिली, इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है। नहीं नहीं, ये सरप्राइज सदा के लिए थी, लेकिन तुम दोनों की स्पेशल सरप्राइज बाकी है अभी। हेलो, हाँ आ गए आप? हाँ हाँ, ए विंग सामने ही है। हाँ पहले वाले पे आ जाइए। ओके वो रहता है। और कुछ तो बताइए, क्या सरप्राइज है। हाँ बाबा जल्दी बताइए ना, अभी ये मत कहना कि अभी नहीं बताऊंगा। हाँ अभी नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा। हाँ आइए सचिन भाई, आइए। ये है सचिन भाऊ। सचिन जी, माधवी और सोनू के लिए जो सरप्राइज मैंने बनवाया है वो पेश किया जाए। माधवी, ये तुम्हारे लिए। भैया हाँ, और सोनू ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। बाबा दो नेकलेस सेट। हाँ बाबा क्या सुंदर डिजाइन है। हाँ मस्त से खूबसूरत। ये सोनू, ये तो सेम डिजाइन है जो पेपर में आया था, हम लोगों ने पेपर कटिंग करके रखा था वो ना। आई सेम है तो एकदम। हाँ और वो कटिंग मैंने देख लिया था, तभी मैंने फैसला किया कि सेम टू सेम डिजाइन तुम दोनों के लिए बनवाऊंगा। क्या हुआ, कल शोरूम के बाद मैं सचिन जी के पास गया और उनको वो डिजाइन दिखाई, तो लकीली उनके पास एक नेकलेस पहले से रेडी था सेम टू सेम डिजाइन का, और रातों रात उन्होंने सेम टू सेम नेकलेस दूसरा बनवाया और अभी देने आ गए। बाबा काय मस्त नेकलेस आए। थैंक यू। आओ करस, थैंक यू। आओ, लेकिन ये बहुत महंगे लग रहे हैं। कितने के हैं? 4,80,000। अरे कशाला सांगितलं, इतने महंगे? आहो तुम चिंता मत करो माधवी। क्या चिंता मत करो, इतने पैसे कहाँ से आए? आपने कहीं उधारी तो नहीं की है ना? माधवी मैं उधारी लेके थोड़ी करूंगा ऐसा। अरे विनायक काका जिंदाबाद। ए सुन भाई, तू चिंता मत कर, इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई और मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ, तो तुम्हारे हिस्से के मुनाफे के पैसे और चिट्ठी मैंने दामोदर के हाथ भेज दी थी। अच्छा। हाँ तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को चेक के बारे में बताओ, इससे अच्छा सरप्राइज दे देता हूँ। तो मैंने ये नेकलेस बनवा लिए, सरप्राइज का सरप्राइज हो गया और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया। हो गया कि नहीं चेक का सदुपयोग? आत्म्या चेक से याद आ गया, ये ले कार के पूरे पैसे, पूरे 4 लाख रुपए। हाँ, ओके थैंक यू काका। अच्छा सचिन जी, अभी ये चेक मैं बैंक में डालूंगा तो 2 दिन बाद कैश हो जाएगा, उसके बाद मैं इस नेकलेस का पेमेंट कर दूंगा, चलेगा ना? अरे भिड़े पाओ, आपकी ईमानदारी पर भरोसा है हमें, पैसों की चिंता नहीं है, इसलिए तो आपको पहले नेकलेस दे दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। हो, आज का दिन तो यादगार होने वाला है मेरे लिए। मेरे लिए भी। अरे हाँ सदा, तुम भी नम्रता को फोन करके बोल दो कार के बारे में। नहीं दादा, मैं डायरेक्ट कार लेके जाऊंगा और नम्रता को सरप्राइज दूंगा। शाबाश। आज तो सरप्राइज ही सरप्राइज डे है। मस्त तो सरप्राइज दिया आपने। और सोनू ये हार तो तेरे पे मस्त दिखने वाला है। थैंक यू भाई। अरे तुम भी तो ये नेकलेस पहन के एकदम अप्सरा लोग की रानी लोग होगी। हाँ ए लाजू नको सुन भाई, मैं तेरी काकी को भी यही कहता हूँ, गपचुप। और मैं भी नम्रता को यही कहता हूँ। ओहो, मतलब ये खानदानी रिवाज है। अच्छा आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। चल आइए। सुन भाई कमाल आहे तुझी, नुसता घमघमाट सुटलाय। आता मारा ताव, मारा 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 सुरुवात करा। वाह सदा का काम, हाँ। खाने के बाद ड्राइव पे चलेंगे। अरे नक्की, एक काम करते, कुल्फी खाने चलते। हाँ, बेस्ट बेस्ट मुझे। परफेक्ट।